विवेक देशपांडे और आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव का जुरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन इन जनरल लॉ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बेसिकली मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वी बिलोंग्स टू वीडी एजुकेशन औरंगाबाद जो कि सीएस सीएमए और सीएस हर एक प्रोफेशनल कोर्स में बहुत ही अच्छे रिजल्ट अब तक ला चुका है। अराउंड 7 सालों से हमारा इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छे रिजल्ट फिच कर रहा है और आगे भी करते रहेगा, यह हमें भरोसा है। आई होप सो इस क्वारंटाइन पीरियड में सब लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि अब तक सीएस एग्जीक्यूटिव का प्रोग्राम का एग्ज़ाम अपने इंस्टीट्यूट ने आगे नहीं बढ़ाया है। सो गाइज उसी प्रकार से हम भी अभी पढ़ना चालू कर देते हैं। आइए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये वर्ड पे देखने के बाद अपने को पहला डाउट यही आ जाता है कि टॉर्च मतलब क्या। टॉर्च मतलब ट्विस्टेड या फिर रॉन्ग भी जिसे कहा गया है। ध्यान में रखिएगा लॉ ऑफ टॉर्च ये कोई एक्ट थ्रू पार्लियामेंट में बना हुआ कोई लॉ नहीं है। लॉ ऑफ टॉर्च ये अलग अलग केस स्टडीज थ्रू बना है। ये यूरोपियन लॉ है एक्चुअली जो अलग अलग केसेस जैसे जैसे आते गए उसके साथ ही ये डेवलप होते होते गया है। आपको सबको मालूम है अपना मैक्सिमम लॉ का सिस्टम ये यूरोपियन बेस्ड है या फिर यूके बेस्ड है बेसिकली। सो उसी हिसाब से लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी अपग्रेड वैसे ही होते गया जैसे अलग अलग केसेस आते गए। तो चलिए आइए देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या। इंट्रोडक्शन। टर्म टॉर्ट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ वर्ड इंग्लिश वर्ड रॉन्ग व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम। तो याद रखिएगा ये लैटिन वर्ड टॉर्टम थ्रू आया है। टॉर्टम मीन्स ट्विस्ट कर देना कोई भी चीज को, बट ये फ्रेंच टॉर्ट शब्द का इक्विवेलेंट है जिसको हम इंग्लिश में रॉन्ग भी कहते हैं। ओके रॉन्ग जो कि दो टाइप्स में बटता है जो सेकेंड पॉइंट में हम देख रहे हैं। रॉन्ग में भी क्लासिफाइड इंटू सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग एंड पब्लिक और प्राइवेट रॉन्ग। अभी हमें ये बात दिमाग में एकदम फिक्स रखनी है कि टॉर्ट ये हमेशा सिविल रॉन्ग ही रहेगा। तो सर सिविल और क्रिमिनल में डिफरेंस क्या है। सिविल रॉन्ग मीन्स जिसका एक इंडिविजुअल पे ही इम्पैक्ट गिरेगा और क्रिमिनल रॉन्ग मीन्स जिसका पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट गिरता है उसे क्रिमिनल रॉन्ग कहते हैं। तो सर सिविल रॉन्ग मतलब क्या। सपोज एक्स वाई जेड पर्सन किसी के घर में ट्रेसपासिंग करता है और बाहर निकल जाता है। तो याद रखिएगा जिसके घर में उसने ट्रेसपासिंग किया है उसका इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी वायलेट हुआ, बराबर है। हालांकि उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ है बट तभी भी राइट वायलेट हुआ, ये है टॉर्ट। यहाँ पे आ जाता है सिविल लाइबिलिटी। ओके और क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब क्या। सपोज अपनी सोसाइटी में कहीं पर मर्डर हो गया या फिर कहीं पर चोरी वगैरह हो गई, तो हुई तो एक घर में या फिर एक आदमी का मर्डर हुआ है बट उसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पे गिरता है। यही डिफरेंस है गाइस सिविल रॉन्ग में और क्रिमिनल रॉन्ग में। तो हमें दिमाग में ये फिक्स रखना है कि टॉर्ट ये हमेशा सिविल रॉन्ग ही रहेगा। ओके जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्रिमिनल रॉन्ग वही थर्ड पॉइंट में दिया है। पब्लिक रॉन्ग आर वायोलेशन ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक के लिए जो फुल फ्लेज्ड लॉ बनाया गया है अगर वो आप वायलेट करते तो वो पब्लिक रॉन्ग हो जाएगा और वो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट मीन्स कंट्री हो जाता है। वैसे ही फोर्थ पॉइंट में प्राइवेट रॉन्ग आर ब्रीचेस ऑफ प्राइवेट लॉ दैट इज रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई कुछ गलत चीज़ हो जाती है तो उसे हम प्राइवेट रॉन्ग बोलेंगे। लास्ट में डेफिनेशन काइंड ऑफ दिया है। टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी गिविंग rise to a civil cause of action against an individual and for which compensation is the remedy. अभी मैंने जैसे आपको बोला यहाँ पे देखो highlighted words है civil cause against an individual and compensation with the remedy. ये बहुत important words है guys. जैसे मैंने आपको अभी बोला है civil cause, civil क्यों है हमने अभी देखा, action against an individual याद रखना ये private wrong है इसलिए अगेंस्ट ए इंडिविजुअल ही होगा और आगे कंपेंसेशन इज द रेमेडी। कंपेंसेशन मीन्स एनी काइंड या फिर मोस्टली ये तो मनी में ही होता है। रेमेडी मीन्स उपाय। ओके आपको
अगर टॉर्ट हुआ है आपके अगेंस्ट तो आपको कंपेंसेशन बोल के रेमेडी दिया जाता है, मींस पैसे के थ्रू आपको कंपेंसेट किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो इस टॉर्ट की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है? विनफील्ड नाम के एक ऑथर है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन का यहाँ पे दिया है। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable, means rectified by an action for unliquidated damages. Winfield क्या बोल रहा है देखो, Tortious liability arises from the breach of duty. अगर आपने किसी के प्रति कुछ ड्यूटी थी वो आपने ब्रीच की है, ओके, जो कि primarily fixed by law, पहले से ही लॉ में फिक्स थी कि आपकी ये ड्यूटी है आपने निभानी है और आपने नहीं निभाई। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रिट्रेसेबल मींस रेक्टिफाइड। आपकी ये ड्यूटी थी बट आपने नहीं निभाई, वो आपने ड्यूटी नहीं निभाई है इसलिए जो कुछ भी नुकसान हुआ है वो रेक्टिफाई करने के लिए आपको कुछ डैमेजेस पे करने पड़े, वो डैमेजेस अनलिक्विडेटेड थे। तो सर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब क्या? देखिए हमने सीएस फाउंडेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीखा था, या फिर कोई भी आप अगर कोई अलग एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। उसमें देखो जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता था, सपोज ए और बी, बी की इंडस्ट्री है सपोज और ए वहाँ पे जॉब लेने को गया है, अगर ए को जॉब लगता है तो बी पहले ही कंडीशन ये डालता है कि आपको एटलीस्ट 3 महीने का बॉन्ड करना पड़ेगा और अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो तो आपको 3 महीने का बेसिक पे या फिर सर्टन एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आपने 3 महीने के पहले ये जॉब छोड़ा तो। मीन्स ये जो डैमेजेस थे जो इंडस्ट्री को उठाने पड़ने लगने वाले थे वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थे। जो डैमेजेस प्री डिसाइडेड रहते हैं उन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं, और जो डैमेजेस डिसाइडेड नहीं है उन्हें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। यहाँ पे हमें तो तुरंत ही पता चल गया कि जो दो पार्टीज है सर उनमें तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो क्या हम उनमें जो डैमेजेस डिस्ट्रीब्यूट होने वाले या फिर मिलने वाला है एक पार्टी को तो क्या वो प्री डिसाइडेड हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे डैमेजेस को हम अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन से हमने दो पॉइंट्स डिराइव किए। नंबर वन है कि टॉर्ट ये जो है ये सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, और सेकेंड पॉइंट हमने देखा जो कि है हर एक सिविल रॉन्ग ये टॉर्ट नहीं होता। दो पॉइंट्स वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, टॉर्ट ये सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं, और हर एक सिविल रॉन्ग हमेशा टॉर्ट नहीं होता। यहाँ पे आगे हमें बहुत बार ये दो वर्ड्स आने वाले हैं तो हमें ध्यान में रखना है गाइस। जो पर्सन टॉर्ट कमिट करता है वो है टॉर्ट फीजर मीन्स डिफेंडेंट, और जिसके अगेंस्ट टॉर्ट होता है मीन्स रॉन्ग कमिट होता है उसे हम कहेंगे प्लैंटिफ। मीन सपोज ए और बी दो लोग हैं, ए ने बी के घर में ट्रेसपासिंग की, तो इस केस में प्लैंटिफ और डिफेंडेंट कौन बनेगा? तो देखो जिसने घर में ट्रेसपासिंग की है मीन्स ए वो बनेगा डिफेंडेंट, और बी जिसके घर में ट्रेसपासिंग हुई है वो बनेगा प्लैंटिफ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉर्ट सेटिस्फाई करने के लिए गाइस हमारे पास कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, अगर ये 4 कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी तो याद रखना इसे हम टॉर्ट कहने वाले हैं। नंबर वन जो कि है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ये फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है हमारे टॉर्ट में। रॉन्गफुल एक्ट मतलब जैसे कि हमने पहले वाले केस स्टडी में देखा गाइस कि ए ने बी के घर में ट्रेसपासिंग की थी, सो उससे बी का
राइट वायलेट हुआ था गाइस, राइट टू प्राइवेसी, बराबर है। वैसे ही सेकेंड पार्ट आता है, वो है ओमिशन। ओमिशन में आपने काम करते समय कुछ गलती से भूल जाना, मीन्स निग्लिजेंस, वो भी टॉर्ट ही है गाइस। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट चालू थी, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्स वाई जेड वर्कर काम कर रहा था और उसकी विंडो वो फिट कर रहा था। विंडो फिट करते टाइम उसने उसका जो हथौड़ा था वो बाजू में रख दिया और फिटिंग करते करते उसके हाथ से लग के वो हथौड़ा नीचे गिरा और नीचे दूसरा बंदा जा रहा था उसके सिर पे वो हथौड़ा लग गया। तो देखो यहाँ पे उसका डेलिबरेटली कोई इरादा नहीं था, बट देखो यहाँ पे निग्लिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है जो कि आएगा ओमिशन में। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए जो खंबा लगता है वो खड़ा था बट उसका जो फाउंडेशन था गाइस वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं था। हुआ ये कि साइड से जब लोग पैदल जाने लगे या फिर बाइक पे जाने लगे, वो जिस टाइम जा रहे थे उसी टाइम वो खंबा उनके ऊपर गिरा। तो देखो जिसने भी वो खंबा गाड़ा था वो लायबल हो जाएगा। सो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, ये हमारा फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस, दैट इज लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस मींस जिसे लॉ खुद रिकॉग्नाइज करता है उसे ही हम लीगल डैमेजेस कहते हैं। इसमें दो पार्ट्स आएंगे गाइस। नंबर वन है डैमनम सिन इंजूरिया। इस मैक्सिम के दो पार्ट्स है, डैमनम सिन इंजूरिया एंड सेकेंड इज इंजूरिया सिन डैमनम। डैमनम सिन इंजूरिया मीन्स गाइस डैमेज सफर्ड विदाउट वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। यहाँ पे डैमनम मतलब डैमेज और इंजूरिया मीन्स वायोलेशन। सिंपल सा पॉइंट है गाइस, यहाँ पे डैमेज सफर्ड विदाउट वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है बट डैमेज सफर करने पड़ रहे हैं? ऐसा कोई एग्जांपल हमें याद आ रहा है क्या? सो सिंपल सा एग्जांपल है गाइस, सपोज मेरा एक किराना शॉप था, ओके, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मेरा सपोज एक किराना शॉप था एक्स वाई जेड लिमिटेड का। बहुत अच्छा चल रहा था गाइस, अभी तो क्वारंटाइन भी चालू है तो मेरे शॉप पे बहुत ज़्यादा गर्दी भी थी। हुआ ये मेरे बाजू वाला ही और एक शॉप था, वो बंदे का शॉप खाली पड़ा था, बट वो बंदे ने किया क्या, मेरा अच्छा चलने वाला दुकान देख के उसने भी बाजू में ही सेम किराना शॉप ओपन कर ली। तो ऑब्वियसली मेरे पास जो गिराइक आने वाला था उसमें का थोड़ा सा तो भी गिराइक उसके पास जा रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा लॉस हो रहा है। बट क्या कोई लीगल राइट मेरा वॉयलेट हुआ है गाइज? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने उसके लीगल राइट का एग्जीक्यूशन किया है। मीन्स क्या, मुझे डैमेज तो हुआ बट कोई भी लीगल राइट जहाँ पे वायलेट नहीं होता है वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता गाइस। सो लीगल डैमेजेस में अगर डैमनम सिन इंजूरिया आ गया, मीन्स डैमेज सफर्ड विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट, तो याद रखना मुझे कोई भी रेमेडी मीन्स कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलने वाला। और सेकेंड पार्ट है दैट इज इंजूरिया सिन डैमनम, मीन्स इंजूरी विदाउट डैमेज। मीन्स जैसे कि एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है जिसका नाम है एशले वर्सेस वाइट। हुआ ये था कि ये जो एशले था एक पर्सन, उसको वोट नहीं करने दिया था। अभी वोटिंग ये तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट राइट है गाइस, बराबर है। तो हुआ ये कि उसको वोटिंग ही नहीं करने दिया, बट मीन्स लकीली उसको जिसे वोट देना था वही जीत के आ गया। तो हालांकि इसका कुछ लॉस हुआ है क्या वो पर्सन का? बिल्कुल नहीं हुआ, बट देखो उसका राइट था, इंडिविजुअल का राइट था कि उसे वोट करना है जिसके लिए उसे रोका गया। मीन्स उसका इंडिविजुअल का राइट वायलेट हुआ ना, बराबर है, इसीलिए उसे डैमेजेस मिलेंगे। मीन्स देखो इंजुरी विदाउट डैमेज,
इंजूरिया सिन टैमनम, यहाँ पे वर्क होता है गाइस। जैसे कि हमने वंस अगेन वही एग्जांपल रिपीट करते हैं, फर्स्ट वाला ए और बी का, जिसमें ट्रेसपासिंग हुआ था स्विमिंग पूल में, घर में जाके उसने स्विमिंग पूल में गया था ए, और बाहर भी आया था, और फिर बी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया था। इस केस में भी हमने देखा था गाइस कि बी को डैमेज कुछ नहीं हुआ है, बट उसका इंडिविजुअल राइट वायलेट हुआ, इसलिए यहाँ पे सेकंड कंडीशन मीन्स इंजूरिया सीन डैमनम वो कंप्लीट करता है। हमारे अब तक दो कंडीशन हो गए गाइस, नंबर वन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, सेकंड लीगल डैमेजेस, जिसमें के दो पार्ट हमने देखे, डैमनम सीन इंजूरिया एंड सेकंड इंजूरिया सीन डैमनम। सो यहाँ पे एक पॉइंट हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है गाइस, दैट इज इंजूरी इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट। ओके, सो थर्ड पार्ट इज गाइस लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मीन्स गाइस द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कम अंडर द एक्ट, ओके, मीन्स कम अंडर द लॉ। इस लॉ में ये रॉन्गफुल एक्ट को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जिसके थ्रू ही हम लीगल रेमेडी की तरफ बढ़ सकते हैं। और हमने तो पहले ही देखा गाइस कि इस एक्ट में लीगल रेमेडी मीन्स अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ओके, जो प्री डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ तय करेगा कि कितने डैमेजेस उसे मिलने चाहिए। और फोर्थ इसेंशियल कंडीशन है गाइस, दैट इज मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। याद रखना कि आपका ये एक्ट करते टाइम रॉन्गफुल इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, ओके। चार इसेंशियल कंडीशंस है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, सेकंड लीगल डैमेजेस, उसमें दो पार्ट गाइस, डैमनम सीन इंजूरिया एंड सेकंड इंजूरिया सीन डैमनम, थर्ड लीगल रेमेडी एंड फोर्थ मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड। थैंक यू।